हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है थिंक गुरु जी में। और आज मैं बात करने वाला हूं चाइना और भारत के बॉर्डर पर लड़ाई हुई है और उसके अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, आखिर उनके पीछे क्या सियासती हाथ है या सियासती इत्तेफाक है। आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा शहीद हुए जवानों को, जिन्होंने चाइना बॉर्डर पर लड़ते लड़ते इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए हैं। और दूसरा, मैं उन जवानों को भी सत नमन करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा कि जो अभी भी इस देश की रक्षा करने के लिए हमारे बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आखिर बिहार रेजिमेंट को ही गलवान घाटी में लड़ाई करने के लिए क्यों भेजा गया है? सवाल ये उठता है कि क्यों कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट को क्यों लद्दाख घाटी में लड़ाई करने के लिए नहीं भेजा गया? क्योंकि जिस बिहार रेजिमेंट को, 16 बिहार रेजिमेंट को लड़ाई करने के लिए भेजा गया था, उसमें एक कर्नल और 20 जवानों को शहादत मिली और 17 लोग जो है घायल हो गए। क्या सवाल ये नहीं उठता है, क्या ये इस वजह से किया गया है? क्या आने वाले बिहार में जो चुनाव होने हैं, क्या वो वोट को इकट्ठा करने की ये साजिश है या सियासी इत्तेफाक है? न जाने ऐसे लोग कितने हैं जिनके दिलों में और दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये बिहार के चुनावों में ही क्यों चाइना के साथ में लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के अंदर पुलवामा हमला हुआ था, उसके अंदर हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, पाकिस्तान को मात दी थी और पाकिस्तान की धज्जियाँ धज्जियाँ उड़ा दी थी। उसी तरीके से आज हमारा चाइना के अंदर जो है, चाइना बॉर्डर पे जो लड़ाई चल रही है, उसमें हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे जवानों को सियासती मोहरे बन करके हम बलिदान देना पड़ेगा? क्या जवानों को ही इसकी शहादत देनी पड़ती है वोट ग्रहण करने के लिए? ये कैसी राजनीति है? क्या कोई इसके बारे में बात कर रहा है? कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जब 20 जवान शहीद हुए थे, तब सिर्फ 3 जवानों की ही संख्या दिखाई जा रही थी। क्यों आखिर 14 घंटे के बाद में वो संख्या 20 बढ़ा करके की गई है? जबकि अमेरिका के अंदर 8 बजे ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई थी कि चाइना ने इंडिया के 20 जवानों को कत्ल कर दिया है, 20 जवानों को शहीद कर दिया है। दूसरा, चाइना ने भी 8 बजे ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी, लेकिन ये न्यूज़ जो है इंडिया के अंदर 1 बजे के बाद में चलाई गई है, 8 घंटे के बाद में चलाई गई है। क्या इसके पीछे कोई सियासती मामला था? क्योंकि इसी बीच में 1126 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चाइना को मिला है, इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया है, दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी को मिला है, और जिस तरीके से हमारी मीडिया के अंदर जो वीवो है, शाओमी है और हमारा आपका ओप्पो है, इनकी स्पॉन्सरशिप की जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि आप बॉयकॉट कर दीजिए चाइना के प्रोडक्ट्स का, और दूसरी तरफ हम जो है स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं चाइना की कंपनी से, वो पावर्ड कर रही हैं हमारे चैनलों को। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है, चाइना के प्रोडक्ट्स को जलाने से, बर्न करने से क्या वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी? इससे तो आम जनता का ही नुकसान होगा, जीडीपी और गिर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3.7% जीडीपी इस कोरोना पैंडेमिक वजह से गिर गई है। क्या अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या इससे हमारा नुकसान नहीं होता है, हमारी जनता का नुकसान नहीं होता है, गरीब लोगों का नुकसान नहीं होता है? अगर तोड़ना चाहते हैं तो फिर हम बाहर लगे अपने जो बिजली के मीटर हैं उनको भी बंद कर दें, क्योंकि वो भी तो चाइना से बन करके आए हैं। क्या जो आज से 5 साल पहले जब यूपी के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या उन्होंने लैपटॉप चाइना से नहीं मंगाए थे? क्या उन्होंने जो प्रोवाइड करा था, क्या उन्होंने चाइना से नहीं मंगाई थी चीज़ें? आधी चीज़ें जो इंडिया के अंदर, शाओमी का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, आप देखते हैं ये सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं और इंडियन मार्केट में कब्जा बनाई हुई हैं, ये सारी चाइना की कंपनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि शाओमी का जो नोट 9 प्रो मोबाइल है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, उसकी 90 सेकंड के अंदर ही सेल जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ये कैसी
तरीके की राजनीति है मुझे ये समझ में नहीं आता। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि आप चाइना के प्रोडक्ट्स को बन कीजिए, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आप जो है उनको पावर्ड भी कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं उठता है आखिर क्यों चाइना बॉर्डर पर बिहार रेजिमेंट को भेजा जाता है, क्यों उनके शव को दिल्ली के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमन नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, जबकि पुलवामा के शहीद हुए जवानों को प्रधानमंत्री ने क्या किया था, उनकी परिक्रमा की थी। अगर आपके दिमाग के अंदर भी सवाल उठते हैं, पैदा होते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर कैसे सवाल चल रहे हैं। और ये आपका भी कर्तव्य है कि लोगों तक ये पहुंचाना, उन लोगों को भी जगाना जो अभी तक सो रहे हैं, वाकिफ नहीं हैं इस चीज़ों से। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। तब तक मिलता हूँ मैं नई वीडियो के साथ, हमसे जुड़े रहें थिंक गुरुजी पर। धन्यवाद।